सो वेलकम बैक टू माई चैनल। होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जो बनाती है ईवी लोडर्स, ईवी ई रिक्शास। तो उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि मार्केट में कौन कौन से ई लोडर्स आ चुके हैं। तो आज हम जिस कंपनी में खड़े हैं उस कंपनी का नाम अगर हम बात करते हैं, सुपर टेक ईवी लिमिटेड में आज हम खड़े हैं। और अगर हम बात करें जिस प्रोडक्ट की, आज हम स्पेसिफिकेशन आपको बताने वाले हैं सुपर टेक ईवी लिमिटेड का ई लोडर। तो ई लोडर के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहे हैं ई लोडर का काम भी बढ़ रहा है। ई लोडर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ई लोडर में आप कितना सामान लोड कर सकते हो और कितने कम टाइम में चार्ज करके उसे चला सकते हो। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके फीचर्स क्या हैं, कितना ये चलती है, कितना माइलेज देती है, एक बार चार्ज करने पे कितना चलेगी, बैटरी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और एक्सप्लोर करते हैं इस प्रोडक्ट को। तो फ्रेंड्स, अगर आज हम बात करें, अभी हम खड़े हैं सुपर टेक ईवी लिमिटेड का जो है ई लोडर। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के फ्रंट की, अगर हम बात करें तो आप फ्रंट देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना ब्रॉड फ्रंट आपको मिलने वाला है उसमें, जिसमें आपके बहुत ही ब्रॉड मिरर मिल रहा है, जिसमें आपका कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी आपको बारिश से बचने के लिए जो रियर व्यू मिरर होता है वो आपको मिल जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें बॉडी की, तो बॉडी भी आप देख सकते हो यहाँ पे, बॉडी की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिलने वाली है। क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी जो आपका फ्रंट है वो मटेरियल बहुत मैटर करता है। अगर हम मटेरियल की बात करें, बहुत ही बढ़िया मटेरियल यहाँ पर यूज़ हुआ है। कम टू द टायर पार्ट की अगर हम बात करें, टायर आप देख सकते हो यहाँ पे कितना चौड़ा टायर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर हम बात करें इसकी टायर्स की, 55 125 12 का जो आपको मिलने वाला है टायर। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सस्पेंशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ड्यूल सस्पेंशन आपको मिल जाएगा। ड्यूल सस्पेंशन के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलने वाली है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है बहुत ही एक बढ़िया फीचर जो आपको इस ई लोडर में मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे आपकी बात करें, यहाँ पे आपको वाइपर्स मिलने वाले हैं जो आपके इजीली यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे फीचर्स के साथ ई लोडर यहाँ पे मिलने वाला है। तो अब आपके इसके अंदर वाली साइड चलते हैं, तो अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरे सिस्टम्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका रेस हो जाता है, तीन मोड में आपको मिल जाता है यहाँ पे ई लोडर। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलने वाले हैं, सामने आपको मिलने वाला है रियर व्यू मीटर, जिसमें आपकी पूरी आपकी रीडिंग्स आती हैं, आप उसको कितना चला सकते हो, कितना चार्जिंग इसकी हुई है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे आपके मोड्स ऑन करने का ऑप्शन है, साथ में आप देख सकते हो नीचे आपकी जो मिल रही है आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स के साथ साथ आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरे सिस्टम आपको जो है कंट्रोलर आपको मिल जाएगा, बैटरी के सारे जितने भी आपके कनेक्शन हैं वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ आप को यहाँ पे स्पेस भी मिलती है, जहाँ पे आप कुछ अपने टूल्स वगैरह अगर आप रखना चाहो तो आप इजीली रख सकते हो। बैक साइड पे आपको मिल जाता है यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, यहाँ पे आपको कुशन मिल जाता है जो आपकी बैक को सपोर्ट करता है अगर आप कहीं लॉन्ग कहीं ट्रैवल कर रहे हो। और अगर हम बात करें अंदर स्पेस की, तो स्पेस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेस है। अगर मैं अपनी हाइट की बात करूँ, मेरी 6 फीट हाइट है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो आप देख सकते हो कितना ईजिली मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और एक बहुत ही स्पेशियस सा लुक, स्पेशियस सा आपको यहाँ पे फील होने वाला, बहुत स्पेस अंदर इसके मिली हुई है। अब बात करते हैं इसकी लोडिंग कैपेसिटी की। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार अगर हम यहाँ पे नज़र मारे हैं तो यहाँ पे आप कितना सामान इसमें लोड कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जो उनकी सामान होता है, कुछ भी आपका जैसे लॉजिस्टिक्स का सामान है, और अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 1 टन की कैपेसिटी रहने वाली है। 1 टन की इसकी कैपेसिटी है, 1 टन आप उसमें सामान लोड करके आप ईजिली फुली लोडेड इस ई लोडर में अगर आप जाते हो तो 80 किलोमीटर की स्पीड में आप टॉप स्पीड में इसके साथ इसे रन कर सकते हो विद 1 टन ऑफ वेट। तो अगर हम इसकी बात करें कैरियर साइज़ की, तो 4.5 फीट × 6 फीट रहेगा। और अगर इसकी चार्जर की बात करें, तो 25 AH का ट्रॉनटेक का चार्जर रहेगा। मोटर इसकी रहेगी 3 kW एंड बैटरी रहेगी इसकी 60 V 105 AH। तो यहाँ पर आपको बैटरी के कंपोनेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ पर आपकी बैटरी लगी हुई है। और आप पीछे से भी देख सकते हो कितना अमेजिंग सा लुक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप इसे इजीली ओपन भी कर सकते हो, कुछ सामान वगैरह आपने रखना है तो आप इसे इजीली ओपन कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी मिल जाती है आपको स्पेस। यहाँ से आप इसे छोड़ते हैं नीचे, तो आप देख सकते हो नीचे आपको कितनी स्पेस मिलने वाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो बहुत ही अगर बात करें, जैसे कि कोई इंसान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, जैसे किसी भी इंडस्ट्री में जिसमें आपको लोडिंग से रिलेटेड कोई सामान है, कोई आपका ई कॉमर्स में आप काम करते हो, या कोई भी ऐसी कंपनी जहाँ पे ई लोडर्स की ज़रूरत है, तो आप अपना एक बिज़नेस शुरू कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 1 टन की, तो 1 टन वेट बहुत ज़्यादा होता है, 1 टन वेट वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत एक अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें आप इजीली
एक टन लेके कहीं भी जा सकते हो और 80 किलोमीटर पर आवर की आपको रेंज मिलने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेंज है। तो आई थिंक अगर हम बात करें सुपरटेक ई लोडर की, तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन आपको जो मिलने वाला है ईवी इंडस्ट्री में। तो सबसे अच्छी बात आप देख सकते हो, एक तो आपके टायर्स बैक साइड पे भी, अगर आप इनकी टायर्स की बात करें तो बैक साइड भी आपको सेम टायर का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। और अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हो कितना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अगर हम एक बार देखें तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको कितना ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ग्राउंड क्लियरेंस किसी भी ई लोडर में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं जैसे हिली एरियाज हो गए, बड़े बड़े जो आपके उथल पुथल वाले रास्ते हैं, वहां पे ये इजिली रन करेगा, क्योंकि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ही अमेजिंग सी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इस ई लोडर को बाकी ई लोडर से थोड़ा अलग बनाती है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर कोई भी पर्सन इसे परचेज करना चाहता है तो आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग फ्रेंड इसकी रहने वाली है 3 लाख रुपीज, ऑन रोड प्राइस इसकी रहने वाली है 3 लाख रुपए में आप इसको इजीली परचेज कर सकते हो। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो या कोई भी क्वेरीज हैं आपको इससे रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स इसका लिंक, इसकी आईडी एंड इसकी वेबसाइट आपको दे दी जाएगी, सो दैट आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इजीली आप इसे कनेक्ट करके आप इसे परचेज कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट हम आपके लिए ऐसी वीडियोज लेके आते रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।